हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीजो स्टडी अगेन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में। आई विल टेल यू हाउ टू प्रोसीड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करो तब आपको कैसे प्रोसीड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हेयर द क्वेश्चन स्टेट्स द गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ अ फॉस्फोरस साइक्लिंग। नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि ये बात कर रहे हैं एक फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। एक डायग्राम दे रखा है, एंड साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद अ 4 ब्लैंक्स ए टू डी। आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स, हमें पता लगाना है ये ए क्या है, डी सी एंड बी क्या है, राइट। सेशंस में हमने फॉस्फोरस साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ा था, होप आपने सेशंस अच्छे से देखे होंगे। उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर स्टडी करते हैं। पहले मुझे ये बताइए फॉस्फोरस का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होता है। सो फॉस्फोरस कम्स फ्रॉम द वेरियस रॉक्स, फॉस्फोरस रॉक्स, यानी कि फॉस्फोरस कहाँ से एंटर होता है, रॉक से एंटर होता है सॉइल सॉल्यूशन में। अब ध्यान से देखना, या तो हमारा ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस किस डायरेक्शन से एंटर होता है। यहाँ पे एक एरो इस डायरेक्शन में दे रखा है, बाकी सारा ये दे रखा है रिवर्सिबल डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। डेफिनेट सी बात है कि फॉस्फोरस रॉक सिर्फ एक साइड ही एक्ट करती हैं। सो इसका मतलब ये है हमारा जो ये बी है दैट आर रॉक्स। चलिए इतना पता लग गया हमें कि रॉक से ही आया है, दैट बी इज़ अ रॉक। चलिए इसमें ऑप्शन हमने दे रखे हैं सेकेंड पे। सो हमें पता लगाना है दैट विच इज विच वन इज़ द राइट। इन द ए ऑप्शन इट इज़ गिवन एज अ रॉक मिनरल, जो आपका ए है दैट इज़ अ रॉक मिनरल, और बाकी सब में लिटिल फॉल, डेट्राइटस एंड प्रोड्यूसर्स आर गिवन, राइट। एंड इधर दे रखा है वी हैव टू आइडेंटिफाई द बी, सॉरी वी हैव टू आइडेंटिफाई द बी। सो बी के अंदर देखना है रॉक्स कहाँ पे आ रहे हैं। सो बी के अंदर रॉक्स आ रहे हैं आपके सी ऑप्शन में। सो ये हो गया आपका ऑप्शन कुछ हद तक ठीक, ठीक है। चलिए आगे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। रॉक से फॉस्फोरस ने एंटर किया आपके सॉइल सॉल्यूशन में, वहाँ से दे आर टेकन अप बाय हूम, दे आर टेकन अप बाय प्लांट्स। सो ये सी हो गया आपके प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स आर ईटन अप बाय द कंज्यूमर्स विच वी कॉल इट एज अ हर्बीवोर। हर्बीवोर ने जब मरे वो पहुंच गए ए के पास, सिमिलरली प्लांट्स जब मरे वो पहुंच गए ए के पास, यानी कि ये ए है आपके डेट्राइटस। डेट्राइटस के अंदर प्रोसेस हुआ डीकम्पोजिशन का, जिसकी वजह से अगेन द होल फॉस्फोरस विल अगेन कम बैक टू द सॉइल सॉल्यूशन। यानी सी हो गया आपका प्लांट्स। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं, इसमें आपका सी है प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, ए हो गया आपका डेट्राइटस। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट कह रहा है। द डेट्राइटस इज देयर एंड द लिटिल फॉल इज देयर, यानी कि प्रोसेस जब यहाँ डीकम्पोजिशन हुआ वो क्यों हुआ, यहाँ से पत्ते गिरे एंड ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लिटिल फॉल। इसको आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, दूसरा आप इसका अलग वे हो सकता है प्रोसीड करने का, वो कैसे। यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, इन सब ऑप्शन को पुट करने की कोशिश करिए डायग्राम के अंदर। अगर आपको अप्रोप्रिएट लगते हैं डेफिनेट सी बात है आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो जनरल नॉलेज की बात है, इतना तो सबको ही पता होता है कि कैसे एक साइक्लिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की। थोड़ा सा भी अगर आपने फोकस किया सेशन में तो ये चीज़ें तो आपको ईजिली क्लियर हो गई होगी। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, डीकम्पोजर्स थे, डिट्राइटस थे, उसके अलावा आपके प्लांट्स थे, उसके अलावा आपके कंज्यूमर्स थे, राइट, यही तो था। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट आंसर इज सी। इसमें कोई डाउट किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 2। अगेन द टू कॉलम्स आर देयर। स्टूडेंट्स इतना क्वेश्चन को रीड करिए, बाय द टाइम मुझे प्रिपेयर करना है ये बोर्ड फॉर यू, राइट। चलिए वी हैव टू मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम 2 एंड कॉलम 1, बोथ द कॉलम्स आर गिवन। इन द कॉलम 1 द ए स्टेट्स द प्रोड्यूसर्स आर देयर।
नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं. इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं ग्रीन प्लांट्स. चलिए देखते हैं. बिल्कुल सही बात है, यहाँ हमें ऑप्शन दे रखा है कॉलम टू में ग्रीन प्लांट्स. अब इसको मैच करिए, यानी कि ये ठीक है, ये ठीक है. आगे देखते हैं करेक्ट ऑप्शन. प्राइमरी कंज्यूमर्स, हु आर प्राइमरी कंज्यूमर्स? ध्यान से देखना. सबसे पहले है आपके ग्रीन प्लांट्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर. दे आर ईटन अप बाय द प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर क्या? कंज्यूमर. सो क्या कार्निवोर ग्रीन प्लांट्स को फीड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं. सो यहाँ क्या होगा? हर्बीवोर्स. सो हमें ढूंढना है क्या ऑप्शन में हमारा हर्बीवोर है. बिल्कुल ऑप्शन में हमारा हर्बीवोर है. हमें इससे पता लग गया दैट यहाँ पे सेक फर्स्ट दे रखा है एंड करेक्ट आंसर फर्स्ट ही है. सो ये पता लग गया बी ऑप्शन सही है. चलिए थर्ड पे प्रोसीड करते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स, व्हाट आर सेकेंडरी कंज्यूमर? ध्यान से देखिए इस चीज़ को. प्राइमरी कंज्यूमर आर ईटन अप बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर. एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आर द कार्निवोर, क्योंकि ये फीड कर रहे हैं दूसरे एनिमल्स पे. ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं. बिल्कुल सही, ये आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन, दैट इज अ कार्निवोर. अगेन इसमें भी फोर्थ दे रखा है, हमारा ऑप्शन सही है. दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर मार्क्स. ऐसे ही प्रोसीड करना है आपको. अब देखो मेरी ध्यान से बात सुनना, मेरे को दो ऑप्शन मिल गए कि ये आंसर्स है, बट इसमें मुझे यहाँ पता लग गया दैट बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. मैं यहाँ पे कभी भी आंसर टिक करके नहीं आऊँगी जब तक मैं बाकी के ऑप्शंस को स्टडी ना कर लूँ. आप भी जल्दबाजी में क्वेश्चन को मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को. क्वालिटी में बिलीव करिए, क्वांटिटी में नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. डोंट डू दैट. जो करो अच्छे से करो, कोई बात नहीं इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा. और वैसा ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है डेफिनेट सी बात है इस बार आपका नीट क्वालिफाई होगा ही होगा. चलिए नेक्स्ट वी हैव इज अ डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स का क्या काम होता है? डीकम्पोजिशन करना. दे आर वॉट? दे आर सेपरोट्रॉफ्स. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर बी इज बी. राइट, ये समझ में आ गया. यानी क्वेश्चन नंबर टू इज डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको ये नॉट दिखेगा, वरना ऐसे चला जाएगा ना आंखों के सामने से कि आंसर आप पूरा साथ में लेकर जाएगा आपके फाइव मार्क्स. चार नंबर तो आपके इस क्वेश्चन के गए, ऊपर से माइनस वन और ले जाओगे. सो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िएगा. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट इन अ इकोसिस्टम. द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन स्टेट्स द एनर्जी फ्लो. Yes, energy flow is a functional unit of an ecosystem. In an ecosystem, the energy flows from one trophic level to another. Right? So, ye to hai. Let's move on. Yes, decomposition is also a process. And it is a functional unit. Because decomposition hi wo process hai, jiski wajah se jo nutrient hai, they again come back to the abiotic component of environment. For example, soil. So, ye bhi hai. Next is called as a productivity, total amount of organic substances produced in a particular area by the green plant is called as their productivity. Productivity can be a primary productivity if we talk about the autotrophs, they can be a secondary productivity as well. Right? Yaad hai na aapko, humne GPP, NPP in sab ke baare mein baat kiya tha. So, wo toh aapka functional unit hai hi. Ab hume option dekhna hai aapka D. स्ट्रैटिफिकेशन. कहीं मैंने मेंशन किया था दैट इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट? बिल्कुल भी नहीं. स्ट्रैटिफिकेशन होता है लेयरिंग ऑफ इकोसिस्टम. सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन. राइट, सो फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा है ध्यान से जरूर समझ में आएगा. ये पिरामिड दैट इज नेवर इन्वर्टेड इज ऑफ. पिरामिड से याद है ना, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हाउ द डिफरेंट थिंग्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. दे कैन बी अ नंबर, दे कैन बी योर एनर्जी एज वेल, दे कैन बी एनीथिंग. राइट, यहाँ पे हमने बात करी है दैट विच वन इज नेवर इन्वर्टेड. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज एनर्जी. एनर्जी के केस में इट इज़ ऑलवेज अपराइट बिकॉज
transmission of energy from one trophic level to another is always very less. And the law states that, the 10% law states that, which was given by Lindemann, which states that only 10% of energy is transferred. Rest all is dissipated in the form of the heat. And that is also utilized by the metabolic reactions which happens in the body. So for this, the correct option is A, that pyramid of energy can never be inverted. It is always upright. Let's move on to the next question. So, study the four statements 1, 2, 3 and the 4 given below and select the two correct ones out of them. The first states, a lion eating a deer. Yes, bilkul sahi hai. Lion ne deer ko khaya. Aur ek sparrow ne feed kiya grain par are ecologically similar in being consumers. Dekho, lion ne feed kiya kis pe? Deer pe. और दूसरा है आपका स्पैरो ने किस पे फीड किया, एक ग्रेन पे. लिसन वेरी केयरफुली. लायन आता है आपका कार्निवोर, डियर आता है आपका हर्बीवोर. यहाँ पे कार्निवोर और हर्बीवोर के रिलेशनशिप की बात हो रही है. यहाँ पे बात हो रही है एक हर्बीवोर की और एक प्लांट की बात जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेन. सो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे दैट दे विल ऑक्यूपाई अ सेम ट्रॉफिक लेवल, बिकॉज इनिशियली एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वी हैव प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर हर्बीवोर्स होते हैं, उसके ऊपर आपके कार्निवोर्स होते हैं. सो यहाँ तो ट्रॉफिक लेवल अलग हो गया, बट ऑप्शन ये कह रहा है इकोलॉजिकली सिमिलर इन बींग कंज्यूमर. नो, दे आर नॉट इकोलॉजिकली सिमिलर, इंस्टेड दे ऑक्यूपाई अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, आगे बढ़े. Predator starfish disaster help in maintaining the species diversity of some invertebrate. Yes, this option is right, because what is disaster? Disaster is an important species, and this species is also called as a keystone species, which plays a very very important role in the ecosystem, in the whole stability of ecosystem. Disaster bahut important role play karta hai. So the statement says that it helps in maintaining the species diversity. Yes, this is the correct option. That means mujhe ye pata lag gaya that ye bhi option theek hai. Ab dhyan se suno, next. Predators ultimately leads to extinction of a prey species. बिल्कुल ये बात तो सही है कि predators prey को खाते हैं, but predators उस हद तक prey को नहीं खा जाते कि जब तक वो extinct हो जाए. कि कभी ऐसा सुना predators बहुत ज़्यादा हो गए और उन्होंने सब कुछ खा लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. nature के पास बहुत important law है कि वो हर चीज़ के अंदर एक equilibrium maintain करके रखती है. so ये option है आपका गलत. फोर्थ पे प्रोसीड करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटीन एंड द स्ट्राइकनिन बाय द प्लांट्स आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. यस, दे आर द मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट. सो फॉर द करेक्ट ऑप्शन, फॉर द करेक्ट आंसर्स, दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट, एंड सेकेंड एंड द फोर्थ आर करेक्ट. सो दिस वन इज करेक्ट, राइट? आगे बात समझ में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इजी लग रहा है आप लोगों को ये सब चीज़ें. ये कितनी इजी है, देखो, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर. इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फूड चेन इज फॉल्स. देखो, पता है कहाँ पे भी ऐसा वर्ड्स होता है ना, नॉट है, फॉल्स है, उस पर ना अंडरलाइन कर दो, टाक टाक अंडरलाइन कर दो, ताकि आपके दिमाग से मिस ना हो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है. फॉल्स है, नॉट है, यही चीजें होती है कंफ्यूज करने की. अब हमें झूठी स्टेटमेंट्स ढूंढनी है. इन सब में क्या है, इन आर एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज अ मेजर कंडल्ट फॉर एनर्जी फ्लो. एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन क्या मेजर कंडल्ट होती है फॉर एनर्जी फ्लो? मैंने तो कभी इस बारे में बात नहीं करी. एक्वेटिक में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके डिफरेंट फाइटोप्लांक्टन्स आर देयर, जो किस में हेल्प करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स की तरह हेल्प करते हैं, वो एनर्जी को फ्लो करना शुरू करते हैं. सो ये ऑप्शन आपका है गलत. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये भी ठीक हो सकता है. बी ऑप्शन देखते हैं. इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू अ डेट्राइटस फूड चेन. यस, दिस इज राइट.
large fraction because separate drops play a very important role in the decomposition process. Organic component ko convert kar dena, inorganic component mein soil ko dobara se enrich kar dena, and again they are taken up by the producers and whole cycle will go on again and again. So ye option theek hai, hame to jhoota dhoondna hai, which one is false. The detritus food chain begin with the dead organic matter. This is also right because they feed on the dead organic matter and convert into the simpler soluble form of inorganic substances so that can be taken up by the plants. Ye bhi theek hai. Primary consumers belong to first trophic level. Ab dhyan se sunna. Kya primary consumer first trophic level pe act karte hai? Kya wo wahan pe jaate hai? Dekho, dhyan se suno. Sabse pehle maine baat kari thi producers ke baare mein. प्रोड्यूसर्स किस पे फीड करते हैं? आपके फीड करते हैं हर्बीवोर्स को. हर्बीवोर्स आपके फीड करते हैं कार्निवोर को. ध्यान से सुनना, ये आते हैं आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे. ये आते हैं आपके सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे. ये आते हैं आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे. ये दोनों हैं आपके कंज्यूमर्स. क्या हैं ये? कंज्यूमर्स. फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, देखिए प्राइमरी कंज्यूमर बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. क्या ये सही है? ये भी मुझे गलत लग रहा है. एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस एंड द क्रोज आर ओमनीवोरस. यस, दे आर ओमनीवोरस. दे कैन हैव बोथ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड. इसमें जो ऑप्शंस जो आपके गलत है, जो सही है एज पर द क्वेश्चन, दैट इज अ ए एंड डी, राइट. सो देखिए, ध्यान से देखना. सो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, दिस वन एंड दीज टू पार्ट्स दे आर करेक्ट, राइट. दो ऑप्शंस इसके अंदर करेक्ट है. फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज डी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अ सेवेंथ क्वेश्चन. Which one of the following statement is correct for secondary succession? So hope you remember the session of succession. क्या होता है succession में? एक species दूसरे species को replace करती है, stability धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है ना? कुछ तो नया नहीं है इसके अंदर. Secondary succession कहाँ होता है? जो already deforested area होता है, वो barren land पे नहीं होता. जहाँ पे already content present है, inorganic content present है, जहाँ पे easy होता है उनके development के लिए, वहाँ पे secondary succession होता है. Now let's look at the option. It occurs on a deforested site. बिल्कुल सही बात है. अब देखो, मैंने इसको करेक्ट करना भूल गई. सो ये आपको ज़रूर करना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट. इसमें इट अकर्स एट द डीफॉरेस्टेड साइट. येस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन. डीफॉरेस्टेड साइट पे होता है क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है. इट फॉलोज द प्राइमरी सक्सेशन. एज सच कभी मैंने बोला है कि पहले प्राइमरी सक्सेशन होगा फिर सेकेंडरी होगा? कभी भी नहीं हुआ. प्राइमरी सक्सेशन इट सेल्फ इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, सेकेंडरी सक्सेशन इट सेल्फ इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म. सो डोंट गेट कन्फ्यूज अमंग दीज. दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट इज रिलेटिवली फास्ट पेस. इट इज नॉट सिमिलर टू द प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में जो पायनियर कम्युनिटी होती है वो अलग होगी. सेकेंडरी सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी अलग होगी. चार पांच छः सात तो डिफरेंसेस मैंने ही आपको बताए हैं. तो यहाँ मैं कैसे कह दूँ कि दे आर सिमिलर? इट बिगिंस ऑन द बेयर रॉक. कभी मैंने बोला है बेयर रॉक पे होता है? बिल्कुल भी नहीं. सो ऑल ऑफ दीज दे ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज अ ए. सेवेंथ का ए ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. हर बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. Let's move on to the eighth question. So, consider the following statement concerning the food chain. Removal of 80% of the tiger from an area result in a greatly increase in the growth of vegetation. अब ध्यान से सुनना. हमने एक जगह से टाइगर्स को रिमूव कर दिया. 80% टाइगर्स रिमूव्ड. टाइगर रिमूव्ड हो गए यानी कि जो आपके फर्स्ट कार्निवोर है या आपके हर्बीवोर है उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. सो हर्बीवोर उस जगह पे बहुत ज्यादा हो गए. अपर एरो से मैंने दिखा दिया. जितने ज्यादा हर्बी हो, क्योंकि देखो प्रीडेटर्स चले गए तो प्रे की पॉपुलेशन डेफिनेट सी बात है ज्यादा ही हो जाएगी. इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ग्रासेस को फीड किया
और ग्रासेस का पूरा कंटेंट पूरी बैरन लैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल प्रोसेस यही होगा। ऑप्शन पढ़ो दोबारा, रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। क्यों भाई, क्यों बढ़ेगी? ठीक है, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्ट इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डियर। यानी कि हमने रिमूवल कर दिया किसका, कार्निवोर का। क्या डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। यानी ये ऑप्शन मेरा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये कहता है द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू थ्री टू फोर ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी अगर 10% ही ट्रांसफर करेगी, उसमें 10 ट्रॉफिक लेवल को मैं अगर अरेंज कर दूंगी तो आखिरी तो क्या पहुंचेगा, कुछ भी नहीं पहुंचेगा, एनर्जी तो पहुंचेगी नहीं। सो ये तो बिल्कुल सही है, बार बार मैंने ये बातें बोली है। द लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल, कभी भी नहीं होता, हमेशा 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल की होगी। सो यानी कि सेकेंड एंड द थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ये ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए, लग रहे हैं ना इजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगेन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन इज, फूड चेन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। प्रोड्यूसर्स हैं, देन आपके कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एक्सेट्रा। एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म दूसरे ट्रॉफिक लेवल को खा रहे हैं। ग्रास को खाया वोल्फ ने, ये क्या है, कौन सी वोल्फ भाई ग्रास को खाती है, मैंने तो नहीं सुना आज तक। बंद कर दो भाई ये ऑप्शन ही, खत्म कर दो। बैक्टीरिया को खाया ग्रास ने, कभी मैंने बोला बैक्टीरिया ग्रास खाती है, कभी भी नहीं। ग्रास को खाया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को खाया बर्ड्स ने, बर्ड्स को खाया स्नेक ने, बिल्कुल सही बात है ना, ये हो गया ऑप्शन सही। चलिए आखिर भी देखते हैं, ग्रास को खाया स्नेक ने, कोई भी सांप खाता है घास कभी देखा, मैंने नहीं देखा। सो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। सो करेक्ट ऑप्शन आपका है दैट इज अ सी ऑप्शन। कोई मुश्किल है क्वेश्चंस में, कहीं कोई प्रॉब्लम आई, कहीं भी नहीं, इजी लग रहे हैं ना ये क्वेश्चन। ऐसे ही आप एग्जाम को, एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चंस इतने इजी लगेंगे अगर आपने सेशंस देखे हैं, अच्छे से पढ़ के गए हो, बहुत इजी लगेंगे। इकोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। चलिए द ग्रेटेस्ट बायोमास ऑफ ऑटोट्रॉफ्स इन द वर्ल्ड ओशन इज दैट ऑफ, ग्रेटेस्ट बायोमास ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं बताया था मैंने आपको, दैट इज वी हैव इज अ ब्राउन एल्गी, वी हैव इज सॉरी इन दिस केस वी हैव सर्टेन फाइटोप्लैंक्टन्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फ इन द सॉइल और सॉरी इन द वाटर, द बेंथिक ब्राउन एल्गी। अगर वो बेंथिक पोजिशन पे प्रेजेंट है क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, नहीं करेगी, ऑप्शन गलत है। बेंथिक डायटम्स, ये भी गलत है। सी ग्रासेस, स्लाइम मोल्ड्स, ये भी गलत है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है दीज माइक्रो एल्गीज विच विल बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, द साइनो बैक्टीरिया, दीज आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, द फर्स्ट कंसीडर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कहा है कि यही सबसे पहले बने होंगे, नैनो प्लैंकटॉन्स, येस दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। सो स्टूडेंट्स, क्या डिस्कस किया हमने, 10 क्वेश्चंस डिस्कस करिए, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप ओवर हेयर, आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इफ़ यू हैव सीन द होल सेशन, सारे सेशंस आपने देख लिए, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। आज आपका क्या होमवर्क है कि आपको कम से कम 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसमें कोई डाउट आता है आपको, यू कैन आस्क अस, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं हमारे, उसमें क्वेश्चंस पूछिए, आई फील सो गुड कि मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सो डू दैट, विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।